छोटी बहू। राधिका क्या हुआ? राधिका तू कहाँ जा रहा है? पर दादी मां डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना, उसकी तबीयत खराब हो रही है ना। अरे पगले, डॉक्टर को नहीं मिठाई वाले को फोन कर, मैं अभी आई। अरे दादी मां वो बीमार हो गई, डॉक्टर को बुलाना है। अरे बुद्धू लड़के, क्या इधर उधर देख रहा है तू? पाल को पाल आने वाले हैं घर में, तू बाप बनने वाला है, समझा कि नहीं? पर मां हो सकता है कि राधिका की तबीयत सही में खराब हो गई हो। इसे समझा के कोई फायदा नहीं, जब बाप बनेगा ना तब समझ में आएगा इसे। राधिका तुम ठीक तो? हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत कर। इधर आ। क्या सही में बाल गोपाल है? ये आपस में बांट लो सब लोग, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी बहू ने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा किया आज। देव, अब तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब से राधिका का बहुत ख्याल रखना होगा तुझे। अरे हाँ छोटी बहू, तुम मंदिर जाना चाहती थी ना, तो जाओ ना बेटा, जाओ जाकर वहां बाल गोपाल के लिए भी आशीर्वाद मांगना और भगवान से प्रार्थना करना कि बस इस घर की खुशियां ऐसे ही बनाए रखे हमेशा। देव, गाड़ी संभल के चलाना और बिल्कुल मंदिर के पास जाके रुकना, ताकि हमारी छोटी बहू को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, समझा? भैया अगर आप कहें तो राधिका को मैं गोद में लेके जाता हूँ ना मंदिर। भाई तेरी बीबी है, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को धन्यवाद तो कह आओ तुम लोग। धन्यवाद। तुम जानती हो जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे जीवन में तुम आई। खुशकिस्मत तो मैं हूं जो जीवन में आपका साथ मिला है। हे प्रभु, राधे राधे अम्मा। आ गए हो? हाँ आ गए अम्मा, दिल्ली में सब आपको पूछ रहे थे। वहाँ उमन उस राधिका के घर में उकी खुशी की तो खूब याद है तुम दोनों को, हमरी खुशी के बारे में कोनू फिकर ना है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? ठीक ही कह रही हैं लल्ला। ये पता है आज मोर विशाखा का जन्मदिन है। ए याद तो को भूल गए हो ना?
और ऊपर आई अनाथ को बड़ा सीने से लगाए रहो है। अम्मा वो अनाथ नहीं है, उसके पिता कुल परिवार सबके बारे में ज्ञात हो गया है। उसके पिता हमसे भी उच्च श्रेणी के विद्वान हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। वाल अल्लाह, उके पिता के बारे में पता चल गयो, लेकिन खुद की बेटी का कौनू पता ना है। अभी भी वो राधिका की रट लगाए जा रहा है। अच्छा है उके बाप का पता चल गयो है तो जाके उके बाप के पास छोड़ क्या कर दे उको अपने बाप के भरोसे और जाके अपनी बेटी को ढूंढ लल्ला। मेरी केवल एक ही बेटी है, राधिका। मेरे जीवन से विशाखा का कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए यह अध्याय समाप्त हो चुका है। अरे वो राधिका को अपना बाप मिल गयो है, अब तो को अपना बाप काहे मानेगी हूँ। समझ लल्ला, समझ लल्ला, समझा बहुरी आई को, समझा, समझाई को। आज मेरी विशाखा का जन्मदिन है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी मेरी बच्ची। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, आपको लगी तो नहीं? नहीं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। ये विशाखा के नाम से प्रसाद चढ़ा दीजिए। कान्हा, आज विशाखा का जन्मदिन है, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है, वो जहां कहीं भी हो ठीक हो, उसे खुश रखना कान्हा। धन्यवाद। बेटा क्या हुआ, अभी तो आप इतने अच्छे से खेल रहे थे, फिर अचानक से रोना शुरू क्यों कर दिया? मम्मी के पास जाना। अच्छा रो मत, मैं आपको लेकर जाती हूँ। अच्छे बच्चे नहीं रोते ना। वैसे आपका नाम क्या है? राधिका। राधिका, अरे वाह, ये तो मेरा नाम भी है। तब तो आप बहुत अच्छी आंटी होगी। मतलब? मेरी मम्मी कहती है राधिका नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आज मेरे मम्मी का जन्मदिन है, प्लीज मुझे ले चलिए ना। अच्छा आओ, हम ढूंढते उन्हें। आओ, वैसे आपकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। आओ। बेटा आप कहाँ चले गए थे? मैं तो खो गई थी, वो आंटी मुझे लेकर आई। चलो बेटा। विशाखा रुक ना, तू मुझसे मिले बिना चली जाएगी। मम्मा ये कौन है? ये तुम्हारी मासी है बेटा, इनका नाम राधिका है। हेलो मासी। मम्मा मैं वहां जाके मंदिर देखूं? हाँ ठीक है, जाओ। विशाखा तू जानती नहीं है मैं तुझसे मिलकर आज कितनी खुश हूँ, तू अचानक यहाँ और तेरी शादी भी होगी और वो इतनी प्यारी बच्ची भी तेरी है। खैर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें याद था राधिका? मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज तेरे लिए तो मंदिर प्रार्थना करने आई थी और कान्हा की माया तो देखो तुझे सामने मिला दिया। मेरे दिल में तेरे लिए कोई शिकायत नहीं है, बस तू घर लौट चल। नहीं राधिका, मैं घर वापस नहीं आ सकती,
मैंने तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी रुकावटें खड़ी करी हैं, उसके बावजूद तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती हो? विशाखा, मैं तो हमेशा से तेरा अच्छा चाहती थी और आगे भी चाहूंगी। अच्छा, तेरी शादी किसे हुई है? कौन है, कहाँ है? वहां से जाने के बाद मेरी जिंदगी में कैसे इंसान आए राधिका, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और उन्होंने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी गलत थी। और राधिका, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मुझे अपनाया, और उनका ये अपनापन देखकर मैं खुद को नहीं रोक पाई। हम दोनों लोगों ने शादी कर ली और अभी अभी तो उनका दिल्ली ट्रांसफर हुआ है, तभी तो हम सब यहाँ रहने के लिए आए हैं। तू यहाँ दिल्ली आ गई और तूने किसी को भी नहीं बताया? कम से कम मुझे या माँ को फोन तो कर देती। तू जानती नहीं है माँ तेरे बारे में कितना चिंता करती है। मिलने का तो मेरा भी बहुत मन करता है राधिका, पर किस मुंह से आती। और फिर बाबूजी को तो तुम जानती हो, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी में तो एक के बाद एक खुशियां ही खुशियां आ रही है। तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरी एक जुड़वा बहन भी है, हूबहू मेरी तरह दिखती है, और मुझे मेरे जन्मदाता भी मिल गए हैं। उनका नाम श्री पंडित ताराशंकर त्रिवेदी है। अभी जन्माष्टमी के दिन मुझे दोनों मिल गए और आज तुम मिल गए। मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। बस अब तू घर आ जा, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार बस अब एकजुट होकर रहे। नहीं राधिका, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उस परिवार का हिस्सा बन सकूं। पर तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हाँ अच्छा, अब मुझे चलना होगा। हाँ सुन, कम से कम अपना फोन नंबर तो दे दे, तुझसे बात तो करती रहूंगी। अच्छा राधिका, हम जरूर मिलते रहेंगे, पर ना तो मैं कभी तुम्हारे घर जाऊंगी और ना ही वृंदावन, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मुझे वहां पर कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं। शायद यही मेरी सजा है। हाँ माँ जी, लिस्ट तो तैयार हो गई। ठीक है। अरे विवेक, डॉक्टर से बात हुई? जी दादी माँ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। अच्छा, छोटी बहू तू अकेली? हाँ इधर आ, इधर बैठ। देव कहाँ है? वो दादी माँ, उन्हें मठ में थोड़ा और काम था, इसीलिए वो मुझे लेने नहीं आ सके, मैं अकेली चली आई। अरे तू घर पे फोन कर देती, कोई ना कोई आ जाता तुझे लेने। दादी माँ, खामखा परेशानी होती। देख छोटी बहू, अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। अकेले बाहर आना जाना बिल्कुल बंद, समझी? अच्छा ठहर, मैंने कुछ बनाया है तेरे लिए, अभी लेके आती हूँ। मैं भी आऊँ? चुपचाप बैठी रही यहाँ। छोटी बहू, तुमने इस घर की झोली में इतनी सारी खुशियां डाल दी हैं कि डर लगता है कि कहीं इन खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। और इमरती, वहां क्या कर रही हो? आओ ना यहाँ। तुम्हें भी ये खुशखबरी मिल गई होगी ना कि तुम मासी बनने वाली हो। देखो बेटा, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए अब तुम्हें भी अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ेगा ना। जहां तक हो सके अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि बच्चे के संस्कारों का निर्माण गर्भ से ही शुरू हो जाता है, पता है? अब से तुम तीनों को रोज रामायण का पाठ सुनाया करूंगी, ठीक है? ए
लड्डू क्यों री अकेले खाएगी सब ला। ये लड्डू खास गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। खिलाने से पहले बोल देती। ये जितना कड़वा होता है ना उतना ही माँ और बच्चे के लिए मीठा होता है। तो जाकर उसको खिलाना। उसे ही तो खिलाने वाली थी, तूने खा लिया बीच में से। जा जाके पानी पी ले। ये ले, ये तुझे खाने हैं। दादी माँ इतने सारे लड्डू? अरे पागल, एक साथ सब नहीं, दो सुबह दो शाम को दो। हाँ छोटी बहू, अब तुम्हें अपने साथ साथ हमारे भतीजे की सेहत का भी तो ध्यान रखना है। राधिका आप आ गए। ये सब क्या है? ये तस्वीरें? मैंने सुना है कि अगर बच्चे की माँ जन्म देने से पहले अगर ऐसी अच्छी अच्छी तस्वीरें देखेंगी तो आने वाला बच्चा भी खूबसूरत होगा। सारी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी फोटो की जगह बाल गोपाल की फोटो लगा रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी सूरत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, ताकि हमारा होने वाला बच्चा बिल्कुल अपने पिता पर जाए। मेरी सूरत तुम्हारे आंखों के सामने ही रहेगी, मैं यही कहीं नहीं जा रहा। अच्छी लग रही है ना? बहुत खूबसूरत है। मठ से वापस आते समय मैं खिलौने वाले की दुकान पे भी गया था। मैंने उसे कह दिया है कि ढेर सारे खिलौने घर पे आके दे जाए। अभी से? अभी तो वक्त है बच्चे के आने में। इसलिए मैं सारी तैयारियां अभी से करके रखना चाहता हूँ, ताकि अगर हमारा बच्चा कोई भी चीज सोचे तो वो चीज यहाँ पे पहले से हाजिर होनी चाहिए। मैंने तो ये भी सोच लिया कि हमारे बच्चे का झूला यहाँ हम हमारे बच्चे का झूला रखेंगे, और बाकी जितनी भी चीजें हैं तुम मुझे आज लिख के दे देना, मैं कल वो सारी चीजें ले आऊंगा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है राधिका। आज मेरी भी खुशियां दोगुनी हो गई है। इस खुशखबरी के साथ साथ एक और खुशी मिली है मुझे। आज आज मंदिर में विशाखा से मुलाकात हुई मेरी। अभी आप ये बात परिवार वालों को मत बताइएगा, उन्हें बुरा लगेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, विशाखा एकदम बदल गई है। उसने शादी भी कर ली है और एक प्यारी सी बच्ची है, और आप जानते हैं उसने अपनी बेटी का नाम राधिका रखा है। सच में वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। लेकिन राधिका, मैं समझ रही हूँ, आप ही नहीं बल्कि परिवार वाले भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें भी इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है, वो सचमुच बदल गई है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसका फोन नंबर भी लिया है। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए और बाबूजी उसे फिर से अपना ले। ठीक है ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी इस वक्त सिर्फ हमारे बारे में बात करे। हमारे? हाँ, मैं, तुम और हमारे बाल गोपाल।